बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यूसर रजा इज हियर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 7, दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को जो है हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने उसका एक इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू जो है वो मैंने दिया था, और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को जो है हमने बेसिकली डिस्कस करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन चंद वीडियो लेक्चर्स के अंदर शुरू में उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल हैं, और फिर नेक्स्ट कुछ मैं वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा जिनमें हम उन चीज़ों को भी जो है कवर अप करेंगे जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर बेसिकली डिस्कस करना है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बेसिकली एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उनको बेसिकली फेमिलियर बना रहे होते हैं विद द एनिमल्स। लाइक अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से, तो उस हवाले से भी जो है वो उनके साथ मिलते जुलते हैं। मूवमेंट के हवाले से देखें तो मिलते जुलते होते हैं। सेम अगर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो किस तरह से उनकी बॉडी है पड़ी, तो उनकी तमाम डिटेल्स को हमने जो है वो डिस्कस करना है, लेकिन उनके मेंबर वाइज डिस्कस करना है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से सेल्स है या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनके अंदर मौजूद है पड़ी, हमने इधर डिस्कस करना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं पड़े एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, दे आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं। और दूसरे नंबर पे ये क्या करते हैं, ये इंजेस्ट करते हैं। देखिए इंजेशन के हवाले से देखें तो एनिमल्स भी फूड को क्या कर रहे होते हैं, इंजेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये इंजेस्ट कर रहे होते हैं फूड को बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड को बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, उसे इंजेस्ट करते हैं, और देन उसको क्या करते हैं, ये यूटिलाइज कर देते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर बेसिकली ये फिनोमेना पाया जाता है, इस तरीके से ये फूड मटेरियल वगैरह को, फूड स्टफ वगैरह को अपनी बॉडी में लेकर आते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में हमने इनको कैटेगराइज कर दिया है इनके वेरियस मेंबर्स के अंदर, मेंबर्स के हवाले से हमने इनको क्या किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ। अगर हम उन मेंबर्स के हवाले से देखें तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में हमारे पास अमीबा, ज़ूफ़लैजिलेट्स, एक्टिनोपोड्स, फोरामिनिफेरल्स, एपिकॉम्प्लेक्सेंट्स और सीलिएट्स, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये 6 मेंबर्स जो है वो मौजूद है पड़े। इन मेंबर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जो अमीबा है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर हम ज़ूफ़लैजिलेट्स को देखें तो ये यूनिसेलुलर भी हैं, प्लस ये कॉलोनियल भी हैं, इन्होंने कॉलोनीज बनाकर भी रहना होता है, तो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म भी है। इसी तरह एक्टिनोपोड्स हो गए, ये भी यूनिसेलुलर हैं। सेम केसेस फॉर फोरामिनिफेरल्स, एपिकॉम्प्लेक्सेंस और सीलिएट्स। तो ये तमाम ऑलमोस्ट जितने भी इसके मेंबर्स हैं पड़े इस एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को बेसिकली हम कहते हैं प्रोटोजोन्स। ये प्रोटोजोआ बेसिकली इसके अंदर शामिल है, प्रोटोजोन्स शामिल है, ठीक है। ये जो प्रोटोजोन्स शामिल है इनमें अमीबा है, ज़ूफ़लैजिलेट्स हैं, एक्टिनोपोड्स हैं, फोरामिनिफेरल्स, एपिकॉम्प्लेक्सेंस और सीलिएट्स शामिल है। ये 6 मेंबर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। इन 6 मेंबर्स में ऑलमोस्ट तमाम के तमाम क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद अगली अगर हम बात करें तो इनमें कुछ ऐसे हैं जो कि मूवमेंट के लिए वेरियस स्ट्रक्चर्स को यूटिलाइज करते हैं, और जब ये वेरियस स्ट्रक्चर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं जो कि इन्हें हेल्पफुल रोल प्ले करवा रहे हैं मूवमेंट के अंदर। अगर हम स्पेशली अमीबा की बात करें तो अमीबा के पास मूवमेंट के लिए जो है वो मौजूद है पड़ा, दैट इज कॉल्ड एज द सूडो पोडियल, ठीक है। तो अमीबा ने यूज करना होता है सूडो पोडियल, सूडो पोडिया की मदद से ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। अब सूडो पोडिया क्या होता है, अगर आप अमीबा की बॉडी की बात करें तो ये इस तरह से इरेगुलर सी बॉडी है। अगर फॉर एग्जांपल अमीबा ने इस तरफ मूव करना है, इस तरफ जाना चाहता है, तो सारा साइटोप्लाज्म अंदर से इस तरफ मूव करेगा और अमीबा की ये बॉडी इस तरफ यू मूव कर रही है, इस तरफ। इस तरह से जब ये मूवमेंट इस तरफ हो रही है, इस तरफ सारा साइटोप्लाज्म आ रहा है, यहां पर एक फुट सा बन रहा है, फॉल्स फुट, ठीक है। वासे क्लियर जो है इनके पास कोई ऑर्गन नहीं है मूवमेंट के लिए, बस साइटोप्लाज्म को उस तरफ धकेल दिया, उससे क्या हुआ, ये मूवमेंट इस तरफ इन्होंने करना शुरू कर दी। सेम अगर ये इस तरफ मूव करना चाहते हैं तो सारे साइटोप्लाज्म को इस तरफ धकेल देंगे और यूं यहां पर एक फॉल्स फुट सा बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज, जिसे हम नाम देते हैं इस चीज का, सूडोपोडिया नाम देते हैं। तो इनमें
ये सूडोपोडिया की मदद से ये क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली मूवमेंट जो है वो अपनी शो कर सकते हैं। अगर हम ज़ूफ्लैजिलेट्स की बात करें तो नेम इंडिकेट कर रहा है ज़ूफ्लैजिलेट्स, ठीक है, फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट इस चीज को इंडिकेट कर रहा है दैट दे हैव फ्लैजेला, कि इनके पास क्या चीज मौजूद होती है बड़ी, इनके पास फ्लैजेला मौजूद होता है बड़ा, और फ्लैजेला विप लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर की तरह का लंबा सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से ये मूवमेंट शो करते हैं। ये हमने चैप्टर 6 के अंदर भी फ्लैजेला को डिटेल में पढ़ा था कि फ्लैजेला जो है वो बैक्टीरिया के पास मौजूद होता है और उन्हें मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ज़ूफ्लैजिलेट्स है, देखिए नाम इनका यहाँ पर ये ज़ूफ्लैजिलेट्स है, ज़ूफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स मींस फ्लैजेला, दे हैव फ्लैजेल, तो फ्लैजेला की मदद से ये क्या करते हैं मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। ऐसे ही अगर हम थर्ड पे बात करें तो हमारे पास है पड़े एक्टिनोपोड्स, तो एक्टिनोपोड्स के पास भी बेसिकली मौजूद है पड़ा क्या चीज, सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया की मदद से क्या करते हैं मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। सेम अगर हम बात करें फोरामिनिफेरम्स की, तो फोरामिनिफेरम्स के पास भी बेसिकली कौन सी चीज मौजूद होती है बड़ी, सूडोपोडिया मौजूद है पड़ा मूवमेंट के लिए। तो ये सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया, तीन इसके जो मेंबर्स हैं इनके पास सूडोपोडिया हैं पड़े बेसिकली मूवमेंट के। जबकि एपिकॉम्प्लेक्सन्स की बात करें तो इनमें नो स्पेशल स्ट्रक्चर, इनमें किसी किस्म का जो है वो मूवमेंट के लिए किसी किस्म का कोई ऑर्गन मौजूद नहीं है, कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिसकी मदद से ये क्या कर सके मूवमेंट शो कर सके। ऐसे सीलिएट्स की बात करें तो इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है, दे हैव सीलिया, इनके पास सीलिया मौजूद होते हैं। सीलिया जो है फ्लैजेला से थोड़े छोटे हो, बारीक से फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से ये क्या कर पाते हैं मूवमेंट को जो है वो शो कर पाते हैं। तो इस तरह से इनके पास ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिसकी मदद से इन्होंने क्या करना है अपनी मूवमेंट को शो करना। अगर हम एग्जांपल्स में बात करें अमेबा की, तो अमेबा में हमारे पास एग्जाम्पल आती है एंट अमेबा, या सिंपली अमेबा है हमारे पास, ये इसकी एग्जाम्पल में ये मेंबर शामिल। इसी तरह से हम ज़ूफ्लैजिलेट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास ज़ूफ्लैजिलेट्स में मेनली जो है वो एग्जांपल में आता है युग्लिना वगैरह, ठीक है, युग्लिना वगैरह ज़ूफ्लैजिलेट्स की एग्जांपल्स में आते हैं। इसी तरह से अगर हम एक्टिनोपोड्स की एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास आते हैं रेडियोलैरियंस, इनमें हमारे पास ये जो है रेडियोलैरियंस जो है ये ऑर्गेनिजम्स बेसिकली इसके अंदर शामिल होते हैं। और इसी तरह अगर हम फोरामिनिफेरम्स की बात करें तो हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें है फोरम्स, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अमेबा जो है वो किस तरह से हैं, ज़ूफ्लैजिलेट्स कौन कौन से हैं, एक्टिनोपोड्स की बॉडी कैसे होती है, फोरामिनिफेरम्स कैसे होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोरम्स हो गए, फोरम्स के बाद है जो एपिकॉम्प्लेक्सन्स की हमारे पास एग्जांपल सामने आती है, एपिकॉम्प्लेक्सन्स में हमारे पास शामिल है पड़ा जी प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो सिंपली आप लोग जानते हैं कि क्या करता है मलेरिया काज करता है। इसी तरह जो सीलिएट्स हैं उनमें हमारे पास एग्जांपल आती है दैट इज पैरामीशियम, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किन चीजों की हमारे पास इन मेंबर्स की, जो अमेबा में मेंबर्स शामिल हैं लेकर अमेबा और एंटामेबा, ज़ूफ्लैजिलेट्स में युग्लिना और युग्लिना की तरह के ऑर्गेनिजम्स, एक्टिनोपोड्स में रेडियोलैरियंस शामिल हैं, इसी तरह फोरामिनिफेरम्स में बेसिकली हमारे पास फोरम्स शामिल हैं, फोरामिनिफेरम्स में हमारे पास ये फोरम्स इसमें ये शामिल हैं, और एक्टिनोपोड्स में हमारे पास ये शामिल हैं, पैरामीशियम में हमारे पास ये है, इसी तरह से ये इसकी एग्जाम्पल है पड़ी, ये इसकी एग्जाम्पल है पड़ी, और ये इसकी एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास एग्जांपल बेसिकली मौजूद है अमेबा की, ज़ूफ्लैजिलेट्स की, एक्टिनोपोड्स की, फोरामिनिफेरम्स की, और एपिकॉम्प्लेक्सन्स की, और सीलिएट्स की। तो दीज आर सम ऑफ द ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है। कौन से प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा मींस प्रोटोसोम्स। इसका सबसे पहला मेंबर है दैट इज अमेबा, हमने अमेबा को डिस्कस करना है। अगर हम अमेबा की बात करें तो अमेबा जो है ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है पड़ा, और ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेश वाटर में भी मौजूद होता है पड़ा, ठीक है, और ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मैरीन वाटर में भी मौजूद है पड़ा, और ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म तीसरे नंबर पे मौजूद है पड़ा बीइंग एज अ पैरासाइट
ये पैरासाइट के तौर पर भी मौजूद है बड़ा, इन ह्यूमंस, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर ये पैरासाइट के तौर पर भी मौजूद होता है। ये तीन तरीकों से मौजूद होता है, फ्रेश वाटर में भी बड़ा होता है, मैरीन वाटर में भी है बड़ा, और पैरासाइट के तौर पर भी ह्यूमंस की बॉडी के अंदर ये रह रहा होता है। तो इनमें एग्जाम्पल हमारे पास शामिल है एंटामेबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंटामेबा हिस्टोलिटिका ये जो है ये ह्यूमंस की बॉडी के अंदर है बड़ा, ये ह्यूमंस के अंदर है, ये अमेबा ह्यूमंस की बॉडी में है, और ये अमेबा जो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर है बड़ा, ये यहां पर क्या कॉज करता है, अमेबिक डायसेंट्री कॉज, ठीक है, जैसे हम सिंपली जो है वो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी बॉडी जो है वो काज हो जाता है, पिचेस वगैरह की कंडीशन जो है वो काज हो जाती है, वो एंटामेबा हिस्टोलिका बेसिकली कर रहा होता है, बच्चों की बॉडी के ऊपर मेनली इसका इफेक्ट होता है। अगर प्रॉपरली जो है वो जो वाटर था उसे बॉयल करके यूज नहीं किया गया या फिल्टर हुआ हुआ पानी नहीं था, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे अनहाइजीन कंडीशन है बड़ी, तो उस वजह से जो है अमेबा बॉडी के अंदर जाकर अमेबिक डायसेंट्री काज कर सकता है। अगर हम इसमें अमेबा के अंदर एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल आती है, दैट इज दी जॉइंट अमेबा, ठीक है, तो जॉइंट अमेबा जो है ये एक लार्जेस्ट अमेबा जो है वो पाया जाता है, इसका नेम बेसिकली है फिलोमैग्ज़ा पेलेस्ट्रिस, इसका साइंटिफिक नेम है बड़ा, और इसमें मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर जो है इंटरनली बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई हो सकते हैं, इस तरह से मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड न्यूक्लियाई जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई बेसिकली मौजूद है बड़े इनकी बॉडी में, मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी बॉडी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द मैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये मैथोजेनिक बैक्टीरिया इसकी बॉडी में पाया जाता है, और इस मैथोजेनिक बैक्टीरिया की मदद से ये क्या करता है, ये गेट एनर्जी, ये एनर्जी हासिल करता है, कौन एनर्जी हासिल करता है, जाइंट अमेबा गेट एनर्जी, ये जो गेट एनर्जी का प्रोसेस है मैथोजेनिक बैक्टीरिया की मदद से वो कौन हासिल करता है, वो जाइंट अमेबा जो है वो हासिल कर रहा होता है, किससे हासिल कर रहा होता है, इसको यूज करके, मैथोजेनिक बैक्टीरिया को यूज करके, ठीक है, एक तो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई मौजूद है बड़े, और दूसरे नंबर पर जो है वो मैथोजेनिक बैक्टीरिया इसकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है बड़ा, उससे ये क्या करता है, फीडिंग जो है वो हासिल कर रहा होता है, अपनी खुराक या एनर्जी को बेसिकली हासिल कर रहा होता है। नेक्स्ट वन इज द सीलिएस, हम डिस्कस कर रहे हैं इसके लास्ट मेंबर को, अभी हमने डिस्कस किया है इसको अमीबा, और उसके बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं सीलिएस, ये लास्ट वाला नंबर, और ये दरमियान में लाइक जू फ्लैजिलेट्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद कुछ वीडियो लेक्चर्स में जाके हम इनके बाकी मेंबर्स को जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेनली हमारे स्मार्ट सिलेबस में अमेबा सीलिएट्स और जू फ्लैजिलेट्स जो है ये शामिल हैं, और बाकी चीज़ें भी हम जो है वो कुछ वीडियो लेक्चर्स में नेक्स्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे। अब सीलिएट्स बेसिकली क्या होता है, सीलिएट्स की अगर हम बात करें तो सीलिएट्स क्या है जी, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, दूसरी चीज ये फ्लेक्सिबल सी, इनकी आउटर बॉडी की कवरिंग होती है बड़ी, मतलब जैसे मेम्ब्रेन है ना आउटर वाली, वो फ्लेक्सिबल सी होती है, और उसी फ्लेक्सिबल कवरिंग या मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, इसे हम नाम देते हैं पेलीसेल, ठीक है, वो इसकी आउटर मेम्ब्रेन या जो इसकी आउटर कवरिंग है बड़ी वो क्या कहलाती है, पेलीसेल कहलाती है, लाइक दिस वन, ये जो रेड कलर में मेम्ब्रेन इंडिकेट की गई है, दिस वन, ये रेड कलर में ये जा रही है, ये फ्लेक्सिबल सी होती है, ठीक है, ये सीलिया एक दिखाया गया है, पैरामीशियम की एक एग्जांपल जो है यहाँ पर दिखाई गई है, तो ये इसकी रेड कलर में ये जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज, इसे हम नाम देते हैं पेलीसेल, ठीक है। अब देखिए पेलीसेल के ऊपर आप लोगों को कुछ ब्लैक कलर के फाइन से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे इस तरह से, ठीक है, ये ब्लैक कलर के फाइन से स्ट्रक्चर्स जो है ये बारीक बारीक से, इन्हें हम नाम देते हैं दैट आर कॉल्ड एज सीलिया, ये क्या कहलाते हैं, ये सीलिया कहलाते हैं, ठीक है, ये इनके पास फाइन से शॉर्ट से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं बड़े, और उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं दैट आर कॉल्ड एज सीलिया, हम उन्हें सीलिया का नाम, ठीक है। अब सीलिया का क्या काम होता है, सीलिया बेसिकली बीट करते हैं,
ठीक है, इनकी ये जो है यूं कह लें कि ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सीलिया की बेसिकली क्या हो रही होती है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सीलिया जो है ये क्या करते हैं, ये जनाब बीट करते हैं, ठीक है, ये वाइब्रेट करते हैं, और सीलिया के बीट करने की वजह से ये मूव कर पाते हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड या किसी भी तरफ इनकी मूवमेंट हो पाती है। और सीलिया की बीटिंग ही की मदद से फूड की कलेक्शन भी, जब ये सीलिया इस तरह से बीट करवाएंगे तो उससे जो फूड स्टफ आगे खड़ा हुआ है पानी के अंदर वो सारा ये अपनी बॉडी के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो सीलिया के बीट करने से पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बैकवर्ड, ठीक है, ये बैकवर्ड मूव कर सकते हैं और ये फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, और सेम ही जो है ये क्या कर सकते हैं, सीलिया की बीटिंग की मदद से फूड जो स्टफ होता है उसको बेसिकली अपने पास जमा कर सकते हैं। जैसे ये बीट कर रहे होंगे इनके आगे से ये सीलिया, उससे फॉर एग्जांपल कोई फूड स्टफ है, ये ऐसे यहाँ से ये बीट कर रहे हैं, इस तरह से हिल रहे हैं, तो फूड स्टफ जो है वो इनकी तरफ जो है क्या कर रहा होता है, लाइक एक गोताखोर जो है जिस टाइम फॉर एग्जांपल वो डाइव करता है तो अपने हाथों की मदद से इस तरह से पानी को आगे से हटाता है, ठीक है, और अपने आगे जाने का रास्ता बताता है। तो इसी तरह इनके सीलिया जो है वो इस तरह से जब ये मूव कर रहे हैं तो क्या कर रहे होते हैं, फूड स्टफ जो आगे आ रहा है उसको बेसिकली जो है इस तरह से पानी को हटा के और क्या करेंगे, फूड स्टफ को अपने पास लेकर आएंगे और ये एक वाटर करंट सा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी अपनी बीटिंग की वजह से, और नतीजे के तौर पर आगे या पीछे या जिस तरफ इनकी मूवमेंट हुई हो सकती है। तो दैट वन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसकी मदद से जब ये बीट करते हैं तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करते हैं, और दूसरा जो है वो फूड स्टफ जो है उसे हासिल करने के लिए भी इनकी बीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सम इसके जो है वो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, ससाइड होते हैं, वो नहीं करते सीलिएट्स में, और सीलिया जो है ये वाटर करंट पैदा कर रहे हैं, ठीक है, सीलिया जो है वो सेटअप कर रहे हैं किस चीज को, वाटर करंट को, अभी जिसका मैंने बात जिक्र किया कि वाटर करंट इन्हें हेल्पफुल रोल प्ले कर रहा है फूड स्टफ की कलेक्शन के अंदर, ठीक है, जो फूड स्टफ है जब ये बीट कर रहे हैं इनकी बीटिंग से जो वाटर करंट पैदा होगा, वाटर की जो एक लहर सी प्रोड्यूस होंगी उनसे फूड मटेरियल इनकी तरफ आएगा, जब ये यूं बीट करेंगे उससे फूड मटेरियल को जो है अपनी तरफ खींच लेंगे, और मेनली इनकी जो फूड होती है उस फूड में कुछ बैक्टीरिया वगैरह शामिल हैं, बड़े स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं ये, प्रोटिस्टा जो है ये टाइनी से ऑर्गेनिजम्स जो है ये शामिल हैं बड़े, इनको ये क्या कर रहे होते हैं, इंजेस्ट कर रहे होते हैं। और अगली इंपॉर्टेंट चीज कि इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि ये हेल्पफुल रोल प्ले कर रहा होता है वाटर की मूवमेंट, ठीक है, ये वाटर की मूवमेंट में हेल्पफुल रोल प्ले कर रहा है, और वो वाटर की मूवमेंट कहाँ हो रही है, इन टू द बॉडी या फिर क्या हो रही है, आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से पानी अंदर क्या कर रहे होते हैं, ये बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं, और उस वाटर को जब वो इसके अंदर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया है, इन कैनाल्स के अंदर आ गया है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से, जब ये एक्सपेल आउट करना चाहें तो उसे कॉन्ट्रेक्शन की मदद से वाटर को बाहर एक्सपेल आउट कर सकते हैं और सिक्वीज करके वाटर को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो कि वाटर मूवमेंट में इनको इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो परफॉर्म करा रहा है। और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दी न्यूक्लियाई, इनके न्यूक्लियाई के बारे में, और ये इम्पॉर्टेंट तीन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी पूछा जाता है, क्योंकि हमारा ये चैप्टर नंबर 7 शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, तो मेनली हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और एमसीक्यूज के हवाले से, क्योंकि हमारे बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 में से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते। तो न्यूक्लियाई इनके पास बेसिकली मौजूद होते हैं। न्यूक्लियाई इनके पास किस तरह से हैं, इनके पास दो तरह के न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, एक तो इनके पास जो है वो डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियाई है, ठीक है, और एक इनके पास पॉलीप्लॉयड, ठीक है, पॉलीप्लॉयड और डिप्लॉयड 2n, और जबकि ये 2n प्लस, ठीक है, ये है ऊपर वाला हमारे पास ये 2n, ठीक है, जबकि ये जो है ये 2n प्लस है, इसमें डबल नंबर से भी ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। तो ये माइक्रो न्यूक्लियाई है और ये वाला क्या है, ये है मैक्रो न्यूक्लियाई। तो इसमें ये दो तरह के न्यूक्लियाई जो है मौजूद होते हैं,
जो डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई है ये हेल्पफुल रोल इनको प्ले कर रहा होता है इनकी रिप्रोडक्शन के हवाले से, ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, जबकि जो ये न्यूक्लियाई है इसका रिप्रोडक्शन में तो कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बस उस की ग्रोथ में ये जो सिलिएट्स हैं इनकी ग्रोथ वगैरह के अंदर जो है ये इसको हेल्पफुल रोल प्ले करवा देता है, बट नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। पॉलीप्लाइड जो मैक्रो न्यूक्लियाई है वो ग्रोथ वगैरह में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, जबकि जो डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियाई है ये रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये स्मॉलर होता है जबकि ये थोड़ा सा लार्जर होता है। तो इस तरह से इनके पास ये दो न्यूक्लियाई मौजूद है बड़े, दैट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अबाउट द सिलिएट्स। सिलिएट्स के अंदर ये जो है इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।